Yes, come in. Good afternoon, sir. विजय कुमार, अपने बारे में बताइए जरा। सर मेरा नाम विजय कुमार है। हाँ। मैं राजस्थान के सीकर जिले से गांव प्लस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने मेरे ग्रेजुएशन 2019 में बीकॉम से किया है। हाँ। और मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम एबीएसटी से 2021 में कंप्लीट की। अच्छा। साथ में मैंने सर अकाउंटिंग का वर्क भी किया है। और मेरे पिता है किसान है और मेरी माता गृहिणी है। अच्छा अच्छा। 2021 में आपने किया? हाँ सर। आपका स्पेशलाइजेशन क्या लिखा आपने? मैंने अकाउंट एबीएसटी सर। एबीएसटी का मतलब अकाउंटिंग बिजनेस स्टैंडर्ड और स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अच्छा अच्छा। अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्या मतलब होता है, क्या जरूरत है इसकी? इसमें सर बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी होते हैं कि लेखे जोखे होते हैं उसके बारे में बताओ। बिजनेस के लेखे जोखे होते हैं। हाँ। तो कॉमर्स का पार्ट हो गया सीधे सीधे तौर पे। एबीएसटी स्पेशलाइजेशन की कहाँ जरूरत है? एबीएसटी से सर इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे एक में बिजनेस अकाउंटिंग के रिगार्डिंग होता है और एक में जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में और अकाउंटिंग में क्या फर्क है? बिजनेस अकाउंटिंग में सर ऐसा है कि इसमें बही खातों के बारे में बताया जाता है कि जैसे कितने खर्चे होते हैं कितने होते हैं वो बताते हैं। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सर ऐसा होता है बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए उसके बारे में बताते हैं। बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपको बिजनेस दिया जाता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप कैसे ग्रोथ करेंगे उसको? आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सर। पहले अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उसमें पहले सर पूंजी की व्यवस्था करूंगा। पूंजी की व्यवस्था करूँ। हाँ, पूंजी की व्यवस्था करने के पश्चात में उसमें जैसे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ उसमें गवर्नमेंट के क्या रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए। अच्छा। उसमें फंड के रिलेज करके और साथ में जैसे उसमें जो लगता है परचेज के रिगार्डिंग और सेल के रिगार्डिंग में काम करूंगा। अच्छा। मेरे सेल उसमें सेल बढ़ा के मैं ग्रोथ करने के। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, आप जैसे जीरो स्टार्ट करेंगे तो आपने कैपिटल की व्यवस्था करेंगे। कैपिटल की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? वाटर रिसोर्सेज। हाँ, मैं उसमें सोर्सेज ऐसा है कि सर कोई पहले तो मैं सिक्योर्ड लोन के तरफ जाऊंगा, जैसे किसी भी बैंक से वगैरह लोन लेने की कोशिश करूंगा। और लोन से अगर मैं होता है कि मेरे जिसमें उसमें लोन मुझे मिल जाएगा तो ठीक है। और उसमें अलावा भी मुझे जैसे बैंकिंग जो लोन देता है वो मेरे पर्सनल बिहाफ पे देता है। अच्छा तो, अच्छा। आप अगर लोन लेते हैं बैंक से जी सर, तो वो आपकी बैलेंस शीट में कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? वो सर लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट। लायबिलिटी साइड में सिक्योर्ड लोन में जाएगा वो बैंकिंग और डेट फैसिलिटी में। अच्छा अच्छा। और आप अगर फ्रेंड्स और रिलेटिव से पैसा लेते हैं तो वो सर अनसिक्योर्ड लोन में जाता है। अच्छा। वो भी अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा जो आप लेते हैं। हाँ, जो मैं अगर रिलेटिव से लेता हूँ वो अनसिक्योर्ड लोन में जाता है। व्हाई कैपिटल इज पार्ट ऑफ लायबिलिटी? लायबिलिटी का पार्ट ऐसा होता है कि सर जो कैपिटल हमें मिलती है जो हम लेके आते हैं उसको हमें बिजनेस के थ्रू जो प्रॉफिट कमा के उसको वापस चुकाना होता है। लेके कहाँ? देखो कैपिटल तो आपसे अपने से शुरू होगी ना। हाँ सर, वो बिजनेस एक बिजनेस अलग होता है, वो एक कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। अच्छा। और फर्म एक कंपनी हम स्टार्ट करते हैं वो एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। अच्छा, और वो अलग होता है और हम अलग होते हैं उसमें सर। आप अलग होते हैं। हाँ, आप एज प्रोप्रेटर पार्टनर या डायरेक्टर के रूप में होते हैं। हाँ, हम उसमें एक तरह से सर हम उसमें काम करने वाले वर्कर ही होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। काम करने वाले वर्कर ही होते हैं। गुड। तो इसलिए कैपिटल अगर आप बिजनेस को दे रहे हैं तो फॉर बिजनेस योर कैपिटल इज ए लायबिलिटी है ना। कैपिटल के बाद अच्छा कैपिटल के क्या क्या सोर्सेज और हो सकते हैं अगर आप एक कंपनी है? चलिए बताइए। अच्छा, कैपिटल लाने के सोर्सेज। हाँ, हाउ टू क्रिएट कैपिटल, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो पार्ट है ना। हाँ, सर, हाँ। तो सर जैसे एक तो बैंकिंग के थ्रू हम लोन के थ्रू जाके कैपिटल लेके आ सकते हैं। हाँ। एक हम सर अनसिक्योर्ड लोन के थ्रू कैपिटल ले सकते हैं, जैसे किसी भी रिलेटिव से कैपिटल लेके आ सकते हैं। और सर इसमें बैंक इसमें बिजनेस में दो ही सोर्सेज होते हैं जिससे हम कैपिटल। मैंने कंपनी बोला है। हाँ, कंपनी में भी सर ऐसा ही होता है। कंपनी में भी। अच्छा, अच्छा। कंपनी में भी ये होता है कि हम जैसे पहले अपने पर्सनल कैपिटल के और क्या सोर्सेज हो सकते हैं? मार्केट सोर्सेज बताइए ना। अच्छा, मार्केट सोर्सेज। हाँ। सर हम फाइनेंस कंपनी से अगर कोई भी ले वो भी एक लोन के थ्रू हम ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और अपने पर्सनल से लेके आते हैं वो भी कैपिटल हो सकता है। मेरा मतलब शेयर कैपिटल से। अच्छा, शेयर कैपिटल। हाँ सर,
समझ में आ गई बात आप? आईपीओ सुना है? हाँ, आईपीओ मेरा मतलब शेयर कैपिटल से है वो, देट विल बिकम, देखिए लोन लेना और करना वो तो आप लेंगे तो वो देट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर कैपिटल। एग्रीड? अच्छा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं? ऑफ बैलेंस शीट, यस, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपके गुडविल है, पेटेंट्स वगैरह? अच्छा, हाँ, ये हैं, या आउटवर्ड बिल्स वगैरह जो है, आउटवर्ड बिल्स है, इनवर्ड बिल्स जो प्रोविजंस में, प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन सर ये सर होता है कि जो हम पहले से अगर किसी का खर्चा करते हैं, हाँ, बैंकिंग में, उसको हमने जो अभी तक पेमेंट नहीं किया है और हम उसको प्रोविजन साइड में दिखा देते हैं कि ये हमारी लायबिलिटी होती है, उसका अच्छा, हम चुकाना। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। इसके बाद में फिर आप ये बताइएगा, आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में व्हाट इज योर, आपकी क्या उसमें विचार है सर? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के 5 टिप्स बता दीजिए मुझे सर, वेदर इट इज ऑन ट्रैक और नॉट, और नहीं है तो कारण बता दीजिए। इंडियन इकोनॉमी आज के समय पर ट्रैक पे है सर। ट्रैक पर है, कैसे कैसे बताइए? जैसे सर आज एक्सपोर्ट है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सर। हाँ, एक्सपोर्ट के सेक्टर्स में बहुत काम भी हो रहे हैं। हाँ, और तो उसके जरिए है, और बैंकिंग सेक्टर से है वो एक इंडियन इकोनॉमी का बहुत अच्छा है। हाँ, तो जिसमें रोल होता है बैंकिंग का, तो हाँ, वो सर उसमें ट्रैक पे है, बैंकिंग ग्रोथ ग्रोथ कर रही है। अच्छा, तो इसलिए वो ट्रैक पे है। हाँ, इंडिया के जो इंपोर्ट कम हो रहे हैं, हाँ, इसलिए सर, और एक है कि जो इसमें चल रहा है कि प्रधानमंत्री के जरिए जो चलाए जा रहे हैं अभियान चलाए जा रहे हैं, नेशनल फॉर वोकल फॉर लोकल के जरिए, उसके जरिए भी है, और अपने जो खुद के यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको नेशनलाइज और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे ट्रैक पे है। अच्छा, और अच्छा, आगे जाके हम चौथी इकोनॉमी बन जाएंगे। चलिए, आप एग्रीकल्चर आपके, अच्छा अच्छा, सत्यनारायण शर्मा, आपके पास जमीन भी होगी? जी सर। कितने बीघा है सर? 12 बीघा जमीन। आपने उसमें बीइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट, आपने उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ किया आपने? जी सर, खेती का उसमें हमारे यहाँ पे सर मौसमी खेती होती है। अच्छा, तो जैसे एक एक टाइम पे जो मौसम के अकॉर्डिंग होती है, तो अच्छा, वैसे खेती में नहीं है, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अच्छा जी, इरीगेशन के साधन नहीं है? नहीं नहीं सर, वो साधन नहीं है। उसमें जो पानी के जो है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए एक फसली इलाका है। हाँ, एक फसल ही ज्यादा होती है। एक ही फसल ज्यादा होती है, तो फिर दूसरे साधन क्या है अर्निंग के गांव के लोगों के लिए? अभी गांव के सर अर्निंग के तो जैसे डेयरी फार्मिंग, डेयरी का करने का हो सकता है। अच्छा चलिए, बताइए जैसे ये जो आजकल पलायन पलायन बोल करके जो शब्द आता है ना, पलायन, ये पलायन क्यों होता है? जैसे ग्राम से और शहर की तरफ पलायन होता है सर, गांव से शहरों की तरफ इसलिए पलायन होता है सर, ग्रामीण इलाकों में जो सुविधाएं हैं, हाँ, वो सर बहुत कम है। अच्छा, जैसे नेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा भी बहुत कम, अब तो कम नहीं है सर। कई कई इलाकों में जो नेटवर्क की है समस्या, इंटरनेट की जो सुविधा है, फोन मोबाइल की सुविधा नहीं, इंटरनेट की सुविधा है, तो सर अभी भी बहुत डाउन है, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए वो प्लान करते हैं वहां से, बच्चों के लिए प्लान करते हैं, बच्चों के लिए ज्यादा प्लान करते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा के लिए वो शहर में। अपने लिए प्लान नहीं करते क्या ज्यादा सर? ज्यादा ग्रामीणों के लिए ऐसा होता है कि सर वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचते हैं, बच्चों के लिए ज्यादा सोचते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस हो जाए तो वो उनका। अच्छा, बच्चों की फिर क्या जिम्मेदारी बनती है? बच्चों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो एक सक्सेस बने जो उनके माता पिता जो सपना देते हैं। आज के बच्चे जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, समथिंग कर ही रहे हैं सर, कर ही रहे हैं। यू आर नॉट श्योर? जी सर, शोर तो ऐसा है कि हम सभी को एक दाना से नहीं देख सकते ना सर, एक दाना से नहीं देख सकते, एक दाना से नहीं देख सकते। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने कोई गांव में और में या कोई समाज के लिए कोई ठीक ठाक काम किया क्या कभी? ग्रामीण गांव में? हाँ सर, गांव में तो मैंने स्टडी के अलावा जैसे कोई कोई फंक्शन में अगर मैं भाग लेता हूँ, स्कूल वगैरह में भाग लिया है। अच्छा, तो वैसे सर कोई सामाजिक कर तो कोई गेम्स वगैरह में कोई और में? आपने अकाउंटिंग वर्क बताया, आप कहीं काम कर रहे हो क्या? हाँ, साथ साथ में सर मैं पार्ट टाइम वर्क भी करता हूँ। पार्ट टाइम वर्क करते हो क्या? कंप्यूटर से बही खाते वगैरह? हाँ, बही खाते हो सर, बनाते हो? हाँ, अकाउंटिंग का जूनियर और सीनियर अकाउंटिंग के लेवल का जो भी काम होता है। जूनियर और सीनियर अकाउंटेंट का? हाँ, अभी कहाँ काम कर रहे हो? सर मैं अभी अनाज मंडी। अनाज मंडी, ठीक है। ये जो हमने जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जी सर,
तो ये पब्लिक सेक्टर क्यों बोलते हैं? सर पब्लिक सेक्टर ये इसलिए है कि इसमें सर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, वो सर 51% है, तो वो पब्लिक सेक्टर होती है सर। 51% उससे ज्यादा? हाँ 51% सर। कितनी है पब्लिक सेक्टर में? सर फिलहाल में 12 बैंक पब्लिक सेक्टर। 12 बैंक, कोई 3-4 के नाम बताओ सर। तीन ऐसा, एक तो एसबीआई बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो अपन खोलते हैं, हाँ, अभी तक कितने खाते खोल चुके सर? इसमें अभी तक 58 करोड़ के समथिंग खाते खोले हैं। इसमें क्या, इस खाते के अंदर क्या विशेषता है? इस खाते में ये है कि सर ये 0 बैलेंस पे खाता खुलता है, और इसमें सर एक तो इसमें है कि ये इसमें महिलाओं को ज्यादा, महिला मुखिया होती है तो उसमें सर महिला का अकाउंट खुलता है। इसमें ये भी सुविधा होती है कि इसमें 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है सर, और इसमें जैसे डेथ में होता है 2,00,000 रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है, और अगर आकस्मिक डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ पर 2,00,000 रुपये, और आकस्मिक मृत्यु होती है 30,000 रुपये तक इसमें लाइफ इंश्योरेंस। हाँ लाइफ इंश्योरेंस का। तो क्या इसमें जेंट्स खाता नहीं खोलते? नहीं जेंट्स भी खोलते हैं सर, अगर प्रायिकता ऐसे होता है कि जनधन अकाउंट में जैसे महिला हो तो महिला को प्रायिकता दी जाती है सर। नाबार्ड के बारे में? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है सर, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये सर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी लोन वगैरह हैं वो उसके इसी के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, तो आरआरबी इसके तहत आरआरबी को इसका रेगुलेट यही करती है, नाबार्ड करती है। इसमें जो भी अगर एग्रीकल्चर लोन वगैरह देता है तो आरआरबी पे इसका फुल कंट्रोल होता है। अपने राजस्थान में कितनी आरआरबी? सर राजस्थान में 2 आरआरबी है, एक तो बड़ौदा क्षेत्र ग्रामीण बैंक है, एक मरुदा ग्रामीण बैंक है। ठीक, चलिए विजय कुमार जी, सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर मैं तो ऐसा अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, कमी क्या लग रही है? मुझे कमी तो ऐसा लग रहा है कि सर जैसे मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है, काफ़ी ठीक है आपका, आपकी तैयारी भी ठीक है ना, इसको आप कंटिन्यू करिए। और जैसे अपने सब्जेक्ट के बारे में जो प्रश्न आपसे पूछे गए आपने सेटिस्फेक्टरी जवाब दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ABST के बारे में थोड़ा और क्लियर कर लेना, ठीक है ना। योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कैपिटल वगैरह के ये आपने ठीक है, इकोनॉमी में आपका सवाल सही था, जवाब सही था। पलायन में थोड़ा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पलायन के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हो, कुछ बताओ जी सर। मुझे तो ये पूछना था। नहीं अच्छा है, यू आर ए गुड कैंडिडेट, और इसको आप मेंटेन रखिए। कब आपका इंटरव्यू? 21 तारीख को। 21 तारीख को है ना, तो आप अपनी तैयारी के साथ जाइए। और ये है ना, अच्छा ये है, हाँ अपनी तैयारी के साथ जाइए। प्रधानमंत्री जो जनधन खाते थे ना, ये 58 करोड़ आपने बताई, कहाँ फिगर देखा है? या 58 करोड़ नहीं है, 53 करोड़ से आसपास है। देखा सर, मोर देन 53। मोर देन 53 मतलब ठीक है। इसमें फिर ऐसा है कि 58% जो खाते हैं वो महिलाओं के, 66% महिलाओं के, 1/3 महिलाओं के, 66.6%। मैंने ऐसा, हाँ ऐसा देखा, 53 करोड़ से जो 50 करोड़ से ऊपर थे, तो एग्जैक्ट 1/3 मतलब यानी 2/3 हो गए है ना, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है,